आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ हमारी जम्मू की बेटी तानिया शर्मा से। और आपको बता दें कि वुमन को एम्पावर करने का बेड़ा इन्होंने उठाया हुआ है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि आज के समय में हम किसी भी इंटरव्यू के लिए चले जाएँ या कहीं भी चले जाएँ, हमें इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो ज़रूर चाहिए होती, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करने के लिए हमें जो है स्पोकन इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में, ऑल ओवर इंडिया में कई सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवाया जाता है, लेकिन उसके लिए चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमारी जम्मू की बेटी है जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखना चाहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये जो है सिखाते हैं। खास तौर से वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, वुमेन्स को एम्पावर करने का एक कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव जो है इनके द्वारा उठाया गया। सीधा आपको तानिया से रूबरू करवाते हैं। तानिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीच में। थैंक यू सो मच। तानिया, जिस तरह से आपने ये शुरुआत की हुई है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है आप महिलाओं को करवा रहे हैं वो ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ा, तो ये कैसे आपको आइडिया आया कि मुझे इस चीज़ का उठाना चाहिए? क्योंकि बड़े सारे हम लोग देखते हैं कुछ इंस्टीट्यूट में कोचिंग दे देते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे देते हैं, लेकिन ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरह से भी कदम उठाया जाए। तो क्या इनिशिएटिव लेकर आपने सोचा कि? जी बिल्कुल, मेरा मेन मोटिव ही यही है कि विमेन एम्पावरमेंट की जाए, क्योंकि नो डाउट विमेन आर डूइंग ट्रिमेंडसली वेरी वेल इन एवरी फील्ड, पर स्टिल मैं चाहती हूँ कि मेरी जो सिस्टर्स हैं, जो जितनी भी लड़कियां हैं वो क्योंकि हम देख सकते हैं फाइनेंशियली ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा। एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बेशक नो डाउट हर एक इंस्टीट्यूशन है, पर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी ज़्यादा आपको पता है एक्सपेंसिव कॉस्ट रहती है। तो जो रिच लोग हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, पर जो मीडियम क्लास के जो लोग होते हैं वो तो डिप्राइव रह जाते हैं। इसीलिए मैंने ये स्टेप उठाया कि तो कैसे है? वो होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट आता है आपकी लाइफ का जिसमें आप सोचते हो कि नहीं यार, इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे करना चाहिए। किसकी हेल्प लेकर आपने किया, कितना सपोर्ट आपके साथ है? बिल्कुल, सपोर्ट सिस्टम मेरे चीयर लीडर्स, मेरे पेरेंट्स हैं, स्पेशली मेरे पापा, इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, ना सिर्फ इस फील्ड के लिए जो मैंने ये चूज़ किया बच्चों को पढ़ाना, पर ऐसे भी पापा मुझे कहते हैं कि आप जो मर्ज़ी करो मैं आपके साथ हूँ। जी, तो क्या लगता है जब आपने ये शुरुआत की उसके बाद जैसे जैसे चलते गए, आज आपको बता दें कि 5 साल इन्हें हो चुके हैं इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है कोचिंग दे रहे हैं, तो कैसा लगा, किस तरह का रिस्पांस जो है लोगों को मिला, और क्या लगा आपको इसकी कितनी नीड थी लोगों के लिए, खासतौर से यंगस्टर्स के लिए? आपके पास टीचर्स भी आती हैं, कुछ जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए जाते हैं वो भी आते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए भी आते हैं, तो किस तरह से क्या लगा आपको कि कितनी ज़रूरत थी इस कदम की? बहुत ज़्यादा, मतलब जो रिस्पॉन्स है दैट वॉज वेरी वेरी गुड, एंड आई एम रिसीविंग सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम इवन फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट वॉज गॉन थ्रू। और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ अपनी सिविल सोसाइटी के लिए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, और जैसे कि जो लड़कियाँ हैं, जो टीचर्स हैं, बैंकिंग जो कर रही हैं, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रही हैं, वो भी मेरे पास आकर चले गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्सेल कर दिया है। जैसे कि मैं बात करूं कि जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करी थी, दे हैव सिक्योर्ड वेरी गुड रैंक्स इन देयर ओन फील्ड्स। अगर मैं बात करूं, हर एक फील्ड में उनका अच्छा है, और खासकर कि जो लड़कियां में से पढ़कर गई हैं वो अब इंस्टीट्यूशंस भी अपने रन कर रही हैं और वो पैसे कमा रही हैं। तो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए आप करते हैं, बाकी भी आपने सोचा कि मुझे ये भी अब कदम जो उठाना चाहिए, कुछ प्लानिंग्स आपकी आगे की? हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे कि मेरे रिसेंट जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उससे पहले भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलती है थ्रू माय व्यूअर्स कि आप लड़कियों को ज़्यादा फोकस कर रहे हो और लड़के कहाँ जाएं। तो पर्सनली मैं बताना चाहूँगी कि अब ये जो समस्या है ये दूर कर दी गई है, क्योंकि वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स ऑनलाइन मोड, तो वहाँ पर आप मेरे भैया सब, आप सब पढ़ सकते हो। और रही बात मेरी, जो मेन जो मेरा गोल है वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए ही है, और वो हमेशा चलता रहता है और चलता रहेगा। जी, तो आगे किस तरह से, जिस तरह से आपने बोला कि ऑनलाइन मोड आपका रहने वाला यूट्यूब पे, आप खास तौर से किन टॉपिक्स पे बोलना चाहेंगे? इंग्लिश स्पीकिंग के अलावा भी आप क्या कुछ उनको गाइड करना चाहेंगे? जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन होगी, बेसिकली मैं इंग्लिश पे फोकस करूँगी, जो बच्चों का वीक पॉइंट रहता है, दे गेट वेरी हेजिटेंट
अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन, तो वो जो बच्चों की हेजिटेशन है वो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी सीखूँ और मैं बच्चों को दूर करवा दूँ। बड़ी बार ऐसा हम देखते हैं बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं कि 10 दिन में आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं, तो ये कितना सही रहता है? इसमें क्या इतने दिनों में कर सकते हैं या इसके लिए आपका इंटरेस्ट जिस तरह से हो रहा है, जितनी कितनी जल्दी आपको समझ आ रही है वो ज़रूरी रहता है? मेरे को लगता है कि लर्निंग जो है इट टेक्स वेरी लॉट ऑफ ग्रेजुअल एफर्ट्स, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप 10 दिनों में कर सकते हो, है ना। कोई भी चीज़ आप करते हो उसको टाइम लगता है इन ऑर्डर टू गेट वेरी परफेक्ट इन दैट फील्ड, दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो इसीलिए ये जो काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं यूट्यूब चैनल्स की 10 दिन में आप सीख लोगे, ये एक मिथ है। आप कुछ नहीं सीख सकते 10 दिनों में, पर ये चीज़ है कि आप आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, आप कितनी ज़्यादा आपके पास विल पावर है वो चीज़ करने की, देन दिस इज़ द ओनली वे टू सक्सेस। कहाँ पे आप ये कोचिंग देते हैं, कैसे आप तक कांटेक्ट किया जाता है, कुछ बताइए। जी बिल्कुल, कृष्णा नगर अपोजिट साइंस कॉलेज हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, कन्वर्सा इंग्लिश इंस्टीट्यूट, और हम 5 साल हो गए हमें पढ़ाते हुए। तो जो भी अभी आपको ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें कैसे इन्वाइट आप करेंगे, किस तरह से जुड़े आपसे? बिल्कुल वेलकम, बी अ पार्ट ऑफ माई कन्वर्सा इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आप एक काम करो, मैं हमने मेंशन कर दिया है अपने फ़ोन नंबर्स, तो वहाँ से वो एक बार आप सर नंबर अगर दोहरा दें आपके जो भी हैं। तो फ़ोन नंबर है हमारा 7006722943, आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इन नंबरों पे आप कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है। तो कितनी सिटिंग आपकी है यहाँ पे, एक दिन में आप कितने बच्चों को या कितने कैंडिडेट्स को अटेंड कर लेते हैं? जी मैं एक ही टाइम बच्चों को पढ़ाती हूँ। समाज को जो मैं टाइम दे रही हूँ वो मेरा 1.5 घंटा रहता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैंने सोचा कि चलो ऐसे फ्री बैठ के भी क्या करना है, तो थोड़ा समाज सेवा की तरह से इतना बिजी है, हम लोगों को टाइम अपने लिए नहीं मिल पाता है कि किस तरह से यूटिलाइज करना है, चाहे घरों के काम हो चाहे अपना ही स्टडीज़ का कुछ क्यों ना रहा। तो पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट आपको रहती है कि 1-1.5 घंटा आप किसी को दे रहे हो, इट मीन्स अपना टाइम दे रहे हो, अपना बोलते हैं और समय ही पैसा है, तो जब आप वो दे रहे हो किसी को तो कितनी सपोर्ट आपकी रहती है और वो भी किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी काम करने से पहले एक सपोर्ट सिस्टम जो होती है वो हमेशा रहती है, तभी कोई चीज़ तरक्की करने को हमें दिखती है। तो उसी तरह से मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो मम्मा पापा हैं, ये हमेशा मेरे को सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। और रही बात टाइम की, तो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस एज वी ऑल नो, पर जैसे मैं काम कर रही हूँ, एजुकेशन जो मैं स्प्रेड कर रही हूँ, बच्चों को प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि एजुकेशन जितनी अमाउंट हो उतनी बढ़ती है। बिल्कुल, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, अब आपका ऑनलाइन मोड भी आ रहा है तो ये कब से आ रहा है, और ऑफलाइन के लिए आपकी क्लासेस फिर से कब से शुरू होंगी? बिल्कुल बहुत जल्द हम आपको बता देंगे, वी विल गेट टू नो, पर अभी थोड़ा सा चल रहा है इसी पे फोकस चल रहा है, तो ये थोड़ा सा सरप्राइज दे देंगे आप सबको। जी, तो आगे आपने आपका क्या एम है, जिस तरह से वुमन एम्पावरमेंट का आपका ये लक्ष्य है कि वुमन को एम्पावर करना है, चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के थ्रू करें या कोई और गाइडेंस के थ्रू करिए, तो आगे आपका क्या मोटिव है, क्या प्लानिंग है आपकी इसको लेकर? आगे मेरी यही प्लानिंग रहेगी कि जैसे कि मैं अपना काम कर रही हूँ इन अ वेरी लार्ज, यू नो हम कह सकते हैं कि मीडियम स्केल से मैं काम कर रही हूँ, पर अगर अपॉर्चुनिटीज हाई रहेंगी तो मैं आई विल डू वेरी वेरी मच बेटर फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। वो कहते हैं ना, जब हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं एप्रिसिएशन मिलती है तो और ज़्यादा करने का मन करता है कि हाँ एप्रिसिएशन मिल रही है, तो खुद से ही फीलिंग आती है कि नहीं अभी मुझे और करना है, क्योंकि वो एक ना हौसला अफजाई जो है होती है। तो आपको कई सारे जो है सम्मानित भी आपको कई सारे बड़ी पर्सनैलिटीज़ ने किया हो, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने सम्मानित किया है, और काफ़ी ज़्यादा फॉर्मर मिनिस्टर्स ने किया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया हुआ मुझे सम्मानित, और अपने नियर्स एंड डियर्स वन से, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और सपोर्ट सिस्टम जो है वो हमेशा मेरे पेरेंट्स रहेंगे जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। आज वुमन एम्पावरमेंट को आप जिस तरह से बढ़ावा देने की गवर्नमेंट भी बात करती है, वो भी स्वदेशी की जिस तरह से बात करते हैं, आपकी बात की जाए तो क्या एक मैसेज आपकी तरह से वुमन एम्पावरमेंट के लिए इस प्रोग्राम के अंत में रहने वाला है? मेरा यही मैसेज रहेगा टू ऑल द पीपल, टू ऑल द माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
कि आप ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते ड्यू टू सम लैक ऑफ रिसोर्सेज और फाइनेंशियल वी कैन से रिसोर्सेज. मैं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैंने जो ये स्टेप उठाया वीमेन एम्पावरमेंट का कि जो लड़कियाँ हैं वो खुद को कम ना सोचें. आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप मेरे पास आओ, आप सीखो. अगर आपको क्यूरियोसिटी है इंग्लिश सीखने की तो आप सब कुछ कर सकते हो. जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो आपको बता रहे हैं आज के हमारे वुमन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जम्मू की बेटी तानिया जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जर्नी किस तरह से शुरू की और किस तरह से जो है उन वुमेंस को इम्पार्ट किया है जिनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो था, उनको हाई करने की कोशिश की और पिछले 5 सालों से इस तरह से अपनी इस एक्टिविटीज़ को लगातार चला रहे हैं. आपको नंबर भी जो है शेयर आपके साथ किए गए हैं, आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं जहाँ पर अपनी कोचिंग देते हैं उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं. तो उम्मीद ये करते हैं कि तानिया ने एक काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है. आप किस तरह से स्टेप को देखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें. अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स. जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स.